नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। साल 2014 के आम चुनाव में प्रचंड मोदी लहर के बाद सत्ता में आई बीजेपी एक बार फिर 2019 के चुनावी रण में उतरने जा रही है, लेकिन इस बार बीजेपी का मुकाबला आसान नहीं माना जा रहा है। यूपी में जहां माया अखिलेश ने मोदी का रास्ता रोकने के लिए गठबंधन कर लिया है, तो वहीं ममता के गढ़ बंगाल में जुटे तमाम मोदी विरोधी दलों ने भी सियासी मंच से बीजेपी पर जमकर आंखें तरेरी। खुद ममता ने मोदी सरकार को एक्सपायरी डेट बताकर तंज कसा। 23-24 पार्टी ने भाग लिया है और आने वाला दिन में तो बोलना है कि मोदी बाबू का सरकार को एक्सपायरी डेट हो गया है। जब कोई मेडिसिन हम खरीदते हैं उसको एक एक्सपायरी डेट होता है, तो इनका एक्सपायरी डेट खत्म हो गया है। अभी आने वाला दिन में नया चीज होना है, नया सुबेरा होना है और एक साथ में हम लोग काम करेंगे, ये हमारा वादा है। इन पॉलिटिक्स देयर इज ए लक्ष्मण रेखा, यू डोंट एक्सेप्ट द लक्ष्मण रेखा। आप तो सोनिया जी को भी नहीं छोड़ा, आप तो लालू जी को भी नहीं छोड़ा, आप अखिलेश को भी नहीं छोड़ा, आप मायावती जी को भी नहीं छोड़ा, आप मेरे को भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। सब आपको क्यों छोड़ेंगे, सब आपको क्यों छोड़ेंगे? जब आपका साथ है तो ठीक है, और आपका साथ नहीं है तो सब चोर है। आपका साथ होता है तो सब वफादार है, और आपका साथ नहीं है तो सब बदमाश है, सब जो भी मर्जी आप कहते हैं, विनाश काले बुद्धिनाश। 19 जनवरी को जहां ममता दीदी ने मोदी सरकार पर हमला बोला, तो वहीं 22 जनवरी को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने खुद ममता के गढ़ बंगाल पहुंचकर करारा जवाब दिया। स्वाइन फ्लू से ठीक होने के बाद जैसे ही एम्स से छुट्टी मिली, ममता सरकार को घेरने मालदा पहुंचे अमित शाह ने हुंकार भरी कि ममता को डर था कि अगर बीजेपी की यात्रा निकली तो उनकी सरकार की भी अंतिम यात्रा निकल जाएगी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चार यात्राएं लेकर बंगाल के घर घर में जाने वाले थे, गांव गांव में जाने वाले थे। ममता दीदी को डर लग गया, यात्रा निकली तो उनकी सरकार की अंतिम यात्रा निकल जाएगी। परमिशन नहीं दी, कोई बात नहीं ममता दी, ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा पसीना बहाएंगे, ज्यादा दौड़ेंगे, मगर आपको इस बार बंगाल से हम हटा कर रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की यात्रा रोकने से बंगाल की जनता के दिलों में जो कमल खिला है उसको आप कुछ नहीं कर सकती। ये बंगाल की जनता तय कर बैठी है कि इस देश का अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। 19 जनवरी की रैली में ममता बनर्जी ने तो वैसे दावा किया था कि इस यूनाइटेड इंडिया मंच पर 22 दल यूनाइटेड यानी जुटे हुए थे, हालांकि मंच पर सिर्फ 16 दलों के ही नेता नजर आ रहे थे। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस, लालू यादव की RJD, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की TDP, HD देवेगौड़ा की JDS, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, मायावती की BSP, शरद पवार की NCP, हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा, M.K. स्टालिन की DMK, उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस, अजीत सिंह की RLD, बाबूलाल मरांडी की झारखंड विकास मोर्चा, शरद यादव की लोकतांत्रिक जनता दल और बदरुद्दीन अजमल की AIUDF। ममता की कोलकाता रैली में जो 16 दल जुटे थे, क्या वो वाकई 2019 के आम चुनाव में मोदी लहर को रोक पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक दो दलों को छोड़ दे तो ममता के मंच पर ज्यादातर वही नेता नजर आए जिन्हें 2014 के आम चुनाव में मोदी लहर से बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा था। साल 2014 के आम चुनाव और उसके बाद हुए कई उपचुनाव के बाद लोकसभा में ममता के मंच पर जुटे दलों की ताकत का आकलन करें तो राहुल गांधी की कांग्रेस के पास लोकसभा में 45 सांसद हैं, ममता बनर्जी की TMC के पास लोकसभा में 34 सांसद हैं, चंद्रबाबू नायडू की TDP के पास लोकसभा में 15 सांसद हैं, शरद पवार की NCP के पास लोकसभा में 7 सांसद हैं, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के पास लोकसभा में 7 सांसद हैं, केजरीवाल की आप और लालू की RJD के पास 4-4 सांसद हैं, बदरुद्दीन की AIUDF के पास लोकसभा में 3 सांसद हैं,
देवेगौड़ा की जेडीएस और हेमंत सोरेन की जेएमएम के पास दो दो सांसद हैं। अजीत सिंह की आरएलडी और उमर अब्दुल्ला के पास लोकसभा में एक एक सांसद हैं। मायावती की बीएसपी और स्टालिन की डीएमके के पास एक भी सांसद नहीं है। बाबूलाल मरांडी की जेएमएम और शरद यादव की एलजेडी के पास भी सांसद नहीं है। कुल मिलाकर ममता की कोलकाता रैली में जुटे 16 मुख्य दलों के पास लोकसभा में कुल 145 सीटें हैं, जिनमें से सिर्फ ममता बैनर्जी, राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू के पास ही सांसदों की संख्या दहाई के आंकड़े तक है। बाकी 13 दलों के पास 10 सांसद भी लोकसभा में नहीं है। ऐसे में सिर्फ 145 सांसदों वाले 16 दल मिलकर अकेले 268 सीटों वाली बीजेपी का 2019 में कैसे मुकाबला करेंगे, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ममता के मंच पर भले ये दल एकजुट नजर आए हों, लेकिन अपने अपने राज्यों में इन दलों के आपसी मतभेद किसी से छिपे नहीं है। यूपी में जहां बसपा सपा ने कांग्रेस को किनारे कर दिया है, तो वहीं खुद ममता बंगाल में कांग्रेस के साथ सीटें साझा करेंगी, इसकी दूर दूर तक संभावना नजर नहीं आती। आपसी मतभेद के अलावा पीएम की कुर्सी के लिए भी इन दलों में खींचतान मचना तय माना जा रहा है। कोलकाता में भले ही 16 दल ममता के मंच पर जुटे हों, लेकिन राहुल गांधी और मायावती का मंच पर न आना साफ संकेत दे रहा है कि पीएम की कुर्सी के लिए चाहत किसी भी नेता में कम नहीं है।